यहाँ हम डिस्कस करेंगे पहला सलाह। पहला सलाह के हिसाब से अगर आपके पास दो पोलराइजिंग एलिमेंट हैं, या कह सकते हैं दो पोलराइड हैं, जिनके प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन एंगल थीटा पर हैं, एक पोलराइड अगर ये है दूसरा पोलराइड ये है, तो इनके प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन थीटा एंगल पर है, तो हम इसे ऐसे कह दें कि बीच में थीटा एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी इनके प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन का जो एंगल है उसके कोसाइन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यही हमें यहाँ प्रूव करना है। देखिए, ये कहते हैं कि अगर यहाँ से अनपोलराइज लाइट अगर यहाँ से आएगी तो जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन होगा उसी की डायरेक्शन में यहाँ पर लाइट पोलराइज होगी। मान लीजिए यहाँ पर लाइट का एम्पलीट्यूड ए है, ये लाइट का एम्पलीट्यूड यहाँ पड़ेगा, तो और यहाँ जो दूसरा पोलराइजिंग एलिमेंट है जिसे हम एज एनालाइजर यूज कर रहे हैं, वहाँ इस प्लेन से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। अब होगा क्या, ये जो एम्पलीट्यूड है या जो ई के वाइब्रेशंस हैं, इसके दो कंपोनेंट लेंगे हम, अलोंग द एनालाइजर और परपेंडिकुलर टू एनालाइजर। तो इसे हटाकर हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लिख लेंगे। इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, इसका एम्पलीट्यूड अगर कितना है ए है, तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इसका ए साइन थीटा। अब देखिए, जो ए कॉस थीटा कंपोनेंट है वो इसके पैरेलल है, इसकी जो पास एक्सिस है या इसका जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है, ए कॉस थीटा उसके पैरेलल है, तो यहाँ ए कॉस थीटा पास हो जाएगा, तो यहाँ एम्पलीट्यूड हो जाएगा ए कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट। दूसरा जो कंपोनेंट है इसका ए साइन थीटा, ये 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पर ये ब्लॉक हो जाएगा, ये इससे पास नहीं होगा, तो इसका मतलब जो पास होने वाला कंपोनेंट है वो है ए कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ कहूँ, यहाँ जो इंटेंसिटी थी, यहाँ इंटेंसिटी आई जीरो को अगर मैं कह देता हूँ ए स्क्वायर, यहाँ जो एम्पलीट्यूड था ए उसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर, और यहाँ जो एम्पलीट्यूड है उसके लिए इंटेंसिटी में कहूँ तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आई जीरो के टर्म्स में लिखूंगा तो आई डैश विल बी इक्वल टू आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, या कह सकता हूँ जो इंटेंसिटी है ये प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, कॉस थीटा का स्क्वायर। यही क्या है, मेलस लॉ है। थैंक यू।